कुणाल के दिल की लगातार बढ़ रही हैं बेचैनियाँ। वहीं नंदिनी ने लिया घर छोड़ने का फैसला। जी हाँ, दरअसल कुणाल और मौली आपस में कर रहे हैं कुछ बातें, जहाँ गर्मा गर्म चाय लेकर पहुँच जाती है नंदिनी। गरम 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 चाय, 10 रुपए का एक कप, ये देखो चाय ले लिया। एक तरफ कुणाल के दिल में नंदिनी के लिए जाग रहे जज्बातों से कुणाल खुद भी परेशान है, तो वहीं नंदिनी कुणाल और मौली को बार बार थैंक्स कह रही है। ऑल थैंक्स टू कुणाल, और तुम प्लीज अपना ये लखनऊ तकल्लुफ बंद करो, ये हमारा प्यार है तुम्हारे। अगर ये बात है तो बताओ, कल ब्रेकफास्ट में तुम दोनों क्या खाओगे, क्या बनाया? हाँ, हमने ना टीवी पर देखा था, कोई डाइट रेसिपी था, मिक्स दालों का चीला। डाइट वाले लोगों के लिए भी सही है, हम वो बनाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, है ना? नंदिनी अपनी तरफ से मौली और कुणाल को खुश करने के लिए नाश्ता बनाने का फैसला तो लेती है, लेकिन ना जाने क्यों कुणाल मौली से खुद के लिए नाश्ता बनाने की फरमाइश करते हैं। मुझे कल इडली सांभर खाना है। तो कोई बात नहीं, हम इडली और सांभर बना देंगे। ओके, कुणाल मैं बना दूंगी। माना कि नंदू मैं बहुत कमाल की कुक नहीं हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना लेती हूँ। अगली सुबह नंदिनी बातों ही बातों में मौली को एक कहानी सुनाती है, और उस कहानी के जरिए नंदिनी मौली के सामने अपनी बातों को रखती है। लेकिन जब मौली साफ शब्दों में नहीं समझ पाती, तो नंदिनी उन्हें बताती है कि वो अब घर छोड़कर जाना चाहती हैं। और नंदिनी की ये बात सुनकर मौली दंग रह जाती है। कल रात तुमने हमारी बातें सुनी है, इसलिए तुम आज घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। बैठो ना प्लीज। क्या प्लीज, तुम कुणाल को मिसअंडरस्टैंड मत करो। आई एम रियली सॉरी, उसकी बातें सुनकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची तो आई एम रियली सॉरी। तुम क्या कह रहे हो, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं। ना तो प्लीज यार बनो मत, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने हमारी बातें सुनी है, इसलिए तुम रिएक्ट कर रहे हो। वेल कुणाल, आप कितनी भी कोशिश कर लें, जो आपकी और नंदिनी की किस्मत में होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि रिश्तों के बदलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।